हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम गले का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम बुकरम ले लेंगे। बुकरम की लंबाई ले लेंगे 7.5 इंच और चौड़ाई ले लेंगे 7.5 इंच। इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और अब हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ हम 2.5 पर निशान लगाएंगे। अगर आपने ज़्यादा चौड़ा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। और इसकी लेंथ ले लेंगे हम 7 इंच। और अब हम यहाँ से भी 2.5 पर निशान लगा लेंगे नीचे से, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से नीचे तक निशान को मिला लेंगे यहाँ से। और अब हम ऊपर की साइड 2 इंच पर निशान लगा, और दूसरी तरफ भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और ऊपर से जो हमने निशान लगाया है वहाँ से कॉर्नर से इस निशान को मिला देंगे। ये हमारी वी शेप बन जाएगी, और बीच में निशान को मिलाते हुए हम गोल गले की शेप देंगे। अब हम साइड में भी गले के साथ साथ 1 इंच लेते हुए यहाँ निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगाकर अब हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले बाहर से गले की कटिंग करेंगे, अब हमने जो एक और निशान लगाया है वहाँ से गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने कट करना है गले को। ये हमारा गला कट हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन आएगा। अब हम एक कपड़ा लेंगे और उस पर हम अपने गले को रखेंगे, और यहाँ से हम स्टिच करेंगे। फिर हम इसे घुमाते हुए यहाँ से भी स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने गले की चौड़ाई ली थी 2.5 इंच, डबल हो गया 5 इंच। तो हम 5 इंच पर निशान लगा कर और बुकरम को रखते हुए यहाँ से गले के ऊपर पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम साइड से कपड़े में मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, और जो कॉर्नर है वहाँ से भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे बुकरम पर फोल्ड करेंगे और पूरी सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम गले को बराबर फोल्ड करते हुए बीच में इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से कट का निशान लगाकर अब हम अपनी कुर्ती ले लेंगे, और उसके भी उसे भी हम डबल फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा ये बीच में निशान लग गया। अब हम इसी निशान पर अपने गले को रखेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है हमने, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये हमने सेंटर मिलाना है और बीच में सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई बीच में। अब हम बुकरम के साथ साथ जैसे हमारा डिज़ाइन है गले का, वहीं हमने साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ लगानी है। जो हमारा वी शेप का कॉर्नर है यहाँ हमने ध्यान रखना है, सिलाई थोड़ी सी आपस में दूर होनी चाहिए, और यहाँ से हमने बिल्कुल सफाई से कट करना है। ये हमारी सिलाई ना कटे इसलिए। ये देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया। अब हम साइड में छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम गले को पलट लेंगे। कॉर्नर से हमने अच्छे से कॉर्नर इसके बाहर निकालने हैं, अच्छे से पलटना है।
किसी चीज़ की आप हेल्प से कॉर्नर बाहर निकाल सकते हैं। आप पेन ले सकते हैं, मैं कैंची से ही इसे बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इस पर मोटी सिलाई लगा लेंगे बाद में, क्योंकि हम इस पर तुरपाई करेंगे। ये देखिए, हमने मोटी सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ एक लूप्स लगाएंगे। ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है, आप इस तरह से इलास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर आप घर पर डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। इलास्टिक से ये होगा कि आप जितना भी बड़ा बटन लगाएंगे, ये आसानी से इलास्टिक उस पर आ जाएगा, बंद करने में आसानी होगी इलास्टिक की हेल्प से। नहीं तो आप डोरी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं ये बटन लगाऊंगी और ये हमारा गला कितना सुंदर लगेगा, ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।